फिर किस समय आप मुझे को देना पड़ेगा, आपका एड्रेस मुझे लेना पड़ेगा, कुछ क्रिया और करनी पड़ेगी। जो इस अमृत महोत्सव में कुछ करना है तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो शाम को मैं उसका संकल्प और तीनों जो उसके चरण है वो आज संपन्न करवाऊंगा, और फिर अगर संपन्न होगा सातों करवा दूंगा, तीन तो करवाऊंगा, बाकी कल करवा दूंगा। वह तो मैं कह रहा हूँ तो मौज की बात है, आप मुझे बांध करके तो करवा नहीं सकते, जब तो है नहीं, बीच में सड़ जाते एकदम से, मोते हीरे तुम्हारे हैं, तुम्हारे पास जो कुछ है तुम्हारे पास रखो, मुझे जरूरत है ही नहीं। यहाँ तो सिर्फ ये कुर्ता उतारा है लगा, ये लड़का संभाल, सीधे रवाना हो गए, हमारे क्या है, घर संभालते घर संभाल, हमारे क्या है, मुड़ के देखने वाला मैं जीव नहीं हूँ। ये तो गुरु जी की आज्ञा है, गुरुदेव की आज्ञा है कि तुम्हें रुकना है उनके बीच में, और मैं आपके बीच में रुका हुआ हूँ। ना कोई स्वार्थ है, ना कोई बंधन है, और ना मैं किसी प्रकार से किसी के बीच में रुका हुआ हूँ, आपके प्यार से बंधा हुआ हूँ, ये बात सही है। इसलिए राजवर्ष का प्रयोग भी संपन्न करवाऊंगा, और फिर आज त्रयोदशी है, और ज्योतिष के हिसाब से अक्षय तिथि है। अक्षय तृतीया दूसरी चीज होती है, वैशाख महीने में आती है। अक्षय तिथि का मतलब है जहां तिथि खंडित नहीं हो, और ऐसे क्षण जीवन में कम आते हैं, जहां पूर्ण नक्षत्र हो, योग हो, और आप में से कई साधकों की विशेष इच्छा होती है कि मैं कुछ विशेषता प्राप्त करूं। कल समय मिल भी नहीं पाएगा, कल समय मिला ही नहीं था, वह योग जब वरामीर को पूछा गया, वरामीर ज्योतिष के एक प्रारंभिक विद्वान थे, और जिन्होंने ताजिक नीलकंठी और मानसरोवरी और ऐसे ग्रंथों की रचना की, उनको कहा गया कि क्या आपके ज्योतिष में कोई ऐसे मुहूर्त होते हैं जिस मुहूर्त में जो भी सोचे वह कार्य हो ही जाए हमारे जीवन में। उनका कि ऐसे मुहूर्त कभी कभी ही आते हैं, 24 घंटे वो मुहूर्त नहीं आ पाते। मुहूर्त का मतलब है कि पंचांग, पंचांग मतलब पांच चीजें, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कर्ण, पांचों का सामंजस्य जो बने, उन पांचों चीजों की वजह से पंचांग कहलाया। पांचों चीजों का संयोग बने और उस समय अगर कोई चीज प्रदान की जाए तो अपने आप में एक योग कारक चीज बनती है। आज त्रयोदशी है, रविवार है, सूर्य मेष राशि का उच्च सूर्य है, बृहस्पति और शुक्र अपने आप में पूर्ण नक्षत्र में है, मंगल शनि क्रूर ग्रह अपने आप में सष्टम भाव में है, और शाम को विक्रमादित्य योग है। विक्रमादित्य का मतलब है संपूर्ण विश्व को जीतने वाला योग, विक्रमादित्य राजा की बात नहीं, उसके क्रम को, उसकी चैनल को, उसकी इच्छा को न्यूनता दी जा नहीं सके, तो वो दीक्षा में आप शाम को जो भी आपकी इच्छा होगी वह दीक्षा दूंगा। उसका मतलब ये नहीं कि मेरी थोपी हुई दीक्षा नहीं, वो आपकी जो इच्छा है वह एक घंटा या पौन घंटा में आपको दूंगा, जो भी आपकी इच्छा होगी वह दीक्षा में आपको दूंगा। और यदि आपको कुछ ज्ञात नहीं कि मैं क्या मांगू गुरु जी से, तो आप लिखवा दीजिए, जो गुरु चाहे वह दे दे, बस खत्म। फिर मेरी ड्यूटी है मुझे क्या करना है आपके लिए, बस। जब गुप्त अंधकार हो, हाथ से हाथ नहीं दिखाई दे रहा हो, तब क्या करें, तब आप चुपचाप अपने हाथ गुरु जी के हाथ में पकड़ा देना चाहिए, गुरु जी हाथ पकड़िए, बस उस अंधकार मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इसे आपकी जो कामना हो मैं आपकी कामना पूर्ति भी करूंगा, जो आपकी इच्छा हो दीक्षा लें, कैलाश गुरु जी बैठे होंगे, आप इनको पूछ लें, और नहीं पूछ लें तो मैं तो आपको बता दिया एक सीधा सरल रास्ता कि जो गुरु जी चाहें वह मुझे दीक्षा दे दें। मुझे आपका नस नस कण कण शरीर का रक्त रक्त मालूम है, तुम क्या हो, क्या चाहिए, आगे क्या करना है तुम्हारा, मुझे ध्यान है। आपको ये मालूम नहीं है कि आपके जीवन में कल क्या होने वाला है, आपको मालूम नहीं है, आपको ये मालूम नहीं है 2 महीने बाद क्या घटना घटेगी, साल भर बाद आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, परसों क्या जरूरत पड़ेगी, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या करना है। मगर आपके शरीर में जब मैं हूं तो मुझे आपके प्रत्येक एक्टिविटी का मालूम है कि क्या घटा है,
और क्या घटने वाला है और मुझे क्या देना है, आपकी मन इच्छा क्या है, क्या हो सकता है। इसलिए मैंने पहले आपको हाथ में सौंप दी बागडोर, आप जो चाहें वह दीक्षा में दे दूंगा, और कुछ समझ में नहीं आए जो गुरु जी चाहें वह दीक्षा दे दे, बस खत्म। तो आपको समझ नहीं आया तो फिर मुझे तो पूरा समझ में आया हुआ है, मैं तो सारे वेद पढ़े हुए हैं आपके पूरे शरीर के अंग के अंग और सारे आगे भविष्य पूछ ला सारा, पिछले 5 जन्मों का अगले 5 जन्मों का इतिहास मुझे ध्यान है, आप चिंता नहीं करें।